नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के अध्याय संख्या 6 को अपने शुरू करते हैं इस वीडियो के द्वारा। देखिए, अध्याय संख्या 6 के अंतर्गत अपने कुछ विशेष विषयों या टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनमें मुख्यतः हमारे रहेंगे नगर, व्यापारी या जो शिल्पीजन होते हैं उनके बारे में अपने इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वह है नगर। हमारा सबसे पहला जो विषय रहेगा इस पाठ का वह होगा नगर। देखिए, जैसे हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि मध्ययुगीन इतिहास काल के अंतर्गत क्या है, नगरों का विकास होना शुरू हो चुका था। उससे पहले आपने पढ़ा है हड़प्पा, मोहनजोदारो या धोलावीरा जैसे बड़े शहर इस भारतीय सभ्यता में बसे और बाद में धूमिल हो गए। उसी प्रकार से क्या है, समय समय पर क्या है, बहुत से जो नगर हैं वो बसे हैं और बाद में उनका क्या है, सर्वनाश हो गया या फिर कह सकते हैं वो अपनी पहचान खो बैठे थे। तो देखिए, मध्यकालीन इतिहास की जब अपने चर्चा करते हैं तो उसमें भी क्या है, मध्ययुगीन नगर मिलते हैं जिनकी अगर यात्रा करते हैं तो अपने विशेष चीज़ों के कारण वो उन स्पेशल चीज़ों के लिए प्रसिद्ध थे। अब इसको समझने के लिए अपने क्या है उदाहरण ले सकते हैं कि कुछ नगर जो थे वो प्रशासनिक नगर होते थे, प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर का मतलब क्या होता है, ऐसा नगर जो उस आसपास के संपूर्ण क्षेत्र को पूरी शासकीय दृष्टि से कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, वह प्रशासकीय नगर होता है या प्रशासनिक नगर होता है। आमतौर पर ऐसे नगर राजधानी नगर भी कहलाते हैं, राजधानी नगर। यानी आमतौर पर प्रशासनिक नगर जो होते हैं वह राजधानी नगर भी कहलाते हैं। यानी राजधानियां ही क्या होती हैं, किसी देश या क्षेत्र विशेष या राज्य की क्या होती हैं, प्रशासनिक नगर होती हैं। इसके अलावा मंदिर नगर या फिर यूं कह लीजिए धार्मिक महत्व वाले नगर या फिर वाणिज्यिक जिक नगर या फिर जिनको कह सकते हैं अपने व्यापारी नगर, व्यापारिक तो नगर क्या है, अपनी एक विशेषता, खास विशेषता के कारण उसी प्रकार के नगर के रूप में जाने जाते हैं। यानी जहाँ पर क्या है, उत्पादित वस्तुओं का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाते हैं, वाणिज्यिक नगर कहलाते हैं। जहाँ पर उत्पादित वस्तुओं का या तैयार माल का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, वह क्या कहलाते हैं, वाणिज्यिक नगर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या है, व्यापारिक दृष्टि से जो महत्व रखते हैं, जहां पर वस्तुएं जो हैं वो तैयार होकर बाज़ार के रूप में वहां पर बिकती हैं, वह क्षेत्र वाणिज्यिक नगर कहलाते हैं। ऐसे नगर जो धार्मिक रूप से खास पहचान रखते हैं क्या कहलाते हैं, धार्मिक नगर कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे केदारनाथ, वेणेश्वर धाम है, वृंदावन है, अयोध्या है। ठीक है, यह क्या कहलाते हैं, धार्मिक नगरों के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उनकी एक खास धार्मिक
रूप से पहचान होती है, किसी धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में होते हैं या फिर किसी मंदिर विशेष के कारण वहाँ वह प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए होते हैं, या फिर कह लीजिए जहाँ से क्षेत्र या राज्य की प्रशासनिक गतिविधि संचालित होती है वो क्या कहलाते हैं, प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। जैसे जयपुर है, दिल्ली है, चंडीगढ़, लखनऊ, भोपाल, ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण नगर होते हैं जहाँ से प्रशासनिक गतिविधि संचालित होती है, ठीक है। जहाँ जो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं वो धार्मिक नगर या मंदिर नगर होते हैं, और जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं वो व्यापारिक नगर होते हैं, जैसे अहमदाबाद, सूरत, इसी प्रकार के कई नगर हैं जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने क्या है, इनको एक स्पेशल तरीके से समझते हैं कि कई नगर जो होते हैं, यानी कई ऐसे भी नगर होते हैं जहां मंदिर के लिए भी, प्रशासनिक रूप से भी और वाणिज्यिक रूप से भी, शिल्पीय रूप से भी, ये सारी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो उस एक ही नगर में होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है, कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो शिल्प उत्पादन के, वाणिज्य के, प्रशासनिक रूप से भी वो महत्वपूर्ण होते हैं, व्यापारिक दृष्टि से भी होते हैं, मंदिर वगैरह भी वहाँ पर होते हैं, ठीक है, या पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ ऐसे नगर भी जो होते हैं जिनको पर्यटक नगर कहते हैं, जहाँ क्या है, पुरानी विरासत की चीज़ें जो हैं आज के समय में अपने देखने के लिए जाते हैं। दिल्ली है, आगरा है, यानी भारत में बहुत सारी जगह हैं जो देखने लायक हैं, तो वह सारी क्या है, पर्यटक नगरों के रूप में भी जानी जाती है। तो कई ऐसे भी नगर होते हैं जिनमें ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो चलते हैं अपने, सबसे पहले विस्तार से चर्चा करेंगे मध्ययुगीन प्रशासनिक केंद्र या प्रशासनिक नगर की। जो मध्ययुगीन प्रशासनिक केंद्र है या नगर रहा है, तंजावुर शहर के बारे में अपनी चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें समझना है हमें क्या है, इतिहास को समझना है, हमें वर्तमान के जो प्रशासनिक नगर हैं उनको नहीं समझना है, हमें इतिहास के जो प्रशासनिक नगर रहे हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। तो हमें उसी समय के जो प्रशासनिक नगर रहा है उसके बारे में चर्चा कर कर या उसका अनुमान लगा कर, उसकी इमेजिनेशन या उसकी कल्पना करके अपने को उसको समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक केंद्र, प्रशासनिक केंद्र, देखिए प्रशासनिक केंद्र के बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तंजावुर नगर की बारे में अपने अध्ययन करेंगे, तंजावुर नगर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है, चोल राजाओं की राजधानी, रोय
चोल राजाओं की राजधानी रहा है जो, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो तंजावुर नगर की जो स्थिति है उसके बारे में देखते हैं। तंजावुर नगर जो है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, कावेरी नदी के किनारे, ठीक है। अब मैंने जैसा कि बताया था कि राजधानी नगर होते हैं, सारे प्रशासनिक नगर जो होते हैं उनको राजधानी के नगर भी कहते हैं। तो साधारण सी बात है, तंजावुर क्या है, चोल राजाओं की राजधानी है, ठीक है। तो यह प्रशासनिक केंद्र रहा है उस समय का। अब इसके राजा के बारे में बात करते हैं, तो राजराज, इसके राजा जो हैं वो राजराज चोल है। और राजराज चोल के बारे में एक सबसे फेमस बात है कि उन्होंने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो यह नगर एक प्रकार से क्या रहता है, मंदिर के लिए भी विशेष है, यानी यह एक मंदिर नगर भी कहला सकता है, ठीक है, या इसको मंदिर नगर भी कहा जा सकता है। तो मंदिर की घाट क्या है, इस नगर में यह बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर बनाया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। और इसके वास्तुकला, जो इस नगर में वास्तुकला के लिए फेमस वास्तुकार थे उनके बारे में भी जान लेते हैं, जिनका नाम था कुंजर मल्लन राजराज, कुंजर मल्लन राजराज प्रथम के समय एक विशेष शिल्पकार थे, ठीक है। तो यानी शिल्पीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है यह, मंदिर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नगर है, यानी मंदिर नगर कहा जा सकता है, और राजधानी नगर है इसलिए इसको प्रशासनिक केंद्र या प्रशासनिक नगर भी कहा जा सकता है। तो अपने जो लास्ट टॉपिक पे चर्चा की थी वो क्या था कि एक ऐसा नगर हो सकता है जो अपने अंदर सारी सुविधाओं को या सारी विशेषताओं को समाये हुए हो, वह नगर तंजावुर एक आदर्श नगर उसके लिए उदाहरण बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो क्या है, ये जो कुंजर मल्लन है उसने राजराज प्रथम ये जो मंदिर है उसके अंदर अपना नाम उकेरा था, तो इससे पता चलता है कि उस समय का एक महान शिल्पकार रहा है, क्योंकि राजराज प्रथम ने जो चोल राजा ने राजराजेश्वर मंदिर बनाया था वो कला का अब तक का सबसे उत्कृष्ट नमूना समझा जाता है, मंदिरों के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर है वह, और उस समय का सबसे ऊंचा मंदिर था वह, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे राजमहल मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि मंदिर जो है उसके अंदर शिवलिंग जो बनाए गए हैं वो भी बहुत ही बड़े स्थापित किए गए हैं वहाँ पर। दूसरा, जो राजमहल यहाँ पर मिलते हैं उनके अंदर मंडपों का निर्माण किया गया है। अब देखिए, मंडप जो है वो सिर्फ शादी वाला मंडप नहीं होता, मंडप का मतलब होता है सभा स्थल, सभा स्थल। यहाँ पर क्या है, जो राजा लोग थे वो अपना दरबार लगाया करते थे, ठीक है, लोगों की समस्या सुनते थे, अपने अधीनस्थों से वह क्या है गिफ्ट्स वगैरह लिया करते थे या उपहार वगैरह लिया करते थे उनसे, और जो भी फैसला सुनाना होता था अधीनस्थों को या जनता को या जो भी प्रशासकीय गतिविधि होती थी वो इस प्रकार के मंडपों के द्वारा संचालित होती थी, जो क्या है महलों के अंदर बने हुए थे, ठीक है। इसके अलावा इसी के ऊपर अपने चर्चा करते हैं कि नगर जो है वो बाज़ार की हलचलों से भरा रहता था, क्योंकि वहाँ पर अनाज मसालों, अनाज के लिए, मसालों के लिए या फिर कपड़ों आभूषणों, कपड़ों या आभूषणों की क्या है यहाँ पर बिक्री बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है। तो देखिए, तंजावुर शहर की विशेषताएं अगर अपने पढ़ेंगे, ठीक है,
तो वह किस किस प्रकार की विशेषताएं उसके अंदर रहती हैं। इसके अलावा जैसे वहाँ पर क्या है, मेलों का आयोजन होता था, ठीक है, या फिर जो वस्त्रकार होते थे वो सूती वस्त्र बनाया करते थे राजा वगैरह के लिए, ठीक है, या जो शिल्पकार थे वह कांस्य मूर्तियाँ, सुंदर घंटा धातु, द्वीप वगैरह बनाया करते थे कांस्य के, ठीक है। तो इसकी विशेषता बढ़ते हैं अपने तंजावुर नगर की अभी तक से। एक तो क्या है, यह प्रशासनिक केंद्र है तंजावुर नगर, ठीक है, क्योंकि यह राजधानी नगर है, और राजधानी नगर है इसीलिए है प्रशासनिक केंद्र भी है, दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, उत्तर दोनों का एक दूसरा होगा, ठीक है। दूसरा जो है यह मंदिर नगर भी है। तीसरा अगर देखें शिल्पी शिल्प नगर भी कहा जा सकता है, ठीक है, या वाणिज्यिक नगर है, क्योंकि इतने प्रकार की चीज़ों का यहाँ व्यापार होता था। तो हमने जो चार प्रकार के नगरों के उदाहरण पढ़े थे शुरुआत में मध्यकालीन नगरों के बारे में, जो चार सबसे फेमस नगर आए थे, उन चारों को कवर करने वाला एक ही नगर है, यह है तंजावुर, जो चोल राजाओं की राजधानी हुआ करता था। इतना फेमस नगर है यह, इसमें सारी सुविधाएं या उस समय के सारे प्रकार के जो नगर होते थे उन सारी नगरों की विशेषताएं इस नगर में विद्यमान थी, ठीक है। नेक्स्ट अपना इसी के बारे में पढ़ते हैं, जो मंदिर है या तीर्थ स्थान है या तीर्थ केंद्र के रूप में है किस प्रकार से था, या अन्य राज्य जो थे वहाँ पर इस प्रकार की क्या विशेषता मिलती है। मंदिर नगर या तीर्थ केंद्र, तंजावुर एक मंदिर नगर का उदाहरण भी था जैसा कि मैंने बताया। और जो मंदिर होते हैं वह नगरीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, क्योंकि मंदिर क्या है, कुछ चीज़ों की पूर्ति हेतु लोगों को आकर्षित करते हैं, उनकी अध्यात्म के लिए उनको आकर्षित करते हैं, उनको दान के लिए आकर्षित करते हैं, उनको क्या है अच्छे शुद्ध भूति या अच्छे ज्ञान हेतु है लोगों को आकर्षित करते हैं, कर्मकांड यज्ञ वगैरह इन आदि चीज़ों के लिए भी है उनको आकर्षित करते हैं। और ये सारी चीज़ें आज के समय में इतनी क्या है ट्रेंडिंग में नहीं है, लेकिन मध्यकालीन युग के अंदर अगर उस इतिहास की बात करें अपने, तो यह चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्व रखती थी, ठीक है। इसी के कारण क्या है, मंदिर नगर जो थे वह समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण थे। समाज और अर्थव्यवस्था, दोनों के लिए महत्वपूर्ण थे यह जो मंदिर नगर थे। किस प्रकार से, समाज की आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, ठीक है, उनकी जो धार्मिक रुचि हुआ करती थी, धार्मिक क्रियाकलाप हुआ करते थे, धार्मिक कर्मकांड हुआ करते थे, उन चीज़ों की पूर्ति करने के लिए काम में आते थे, तो इसलिए समाज के लिए महत्वपूर्ण हो गए। अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसको डिटेल से समझते हैं कि जब क्या है कोई मंदिर बनवाता था शासक उस समय, या अमीर धनाढ्य वर्ग के जो लोग हुआ करते थे वही क्या बनवाते थे, मंदिरों का निर्माण करवाया करते थे। अब जब वो मंदिरों का निर्माण करवाया करते थे तो फिर वो क्या है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में दान वगैरह किया करते थे, जो पंडित वगैरह पंडित पुरोहित वगैरह जो हुआ करते थे उस जगह के, ठीक है, उनके लिए वो भूमि दान धन अनुदान में देते थे, जिसकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान वगैरह संपन्न हुआ करते थे। तीर्थयात्रियों पुरोहितों पंडितों को भोजन कराया जाता था, और वहाँ पर जो पर्व उत्सव होते थे जैसे दीपावली है होली है या विशेष प्रकार के त्यौहार उन समुदाय से रिलेटेड जो त्यौहार होते थे उनको मनाया जाता था।
इसी के कारण क्या है, मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। तो कहने का मतलब ये क्या है, राजा का, पुरोहितों का, या फिर जो अमीर धनाढ्य वर्ग के लोग हैं या साधारण वर्ग के जो लोग हैं, उनके द्वारा दिया गया जो धन था दान में, वो सारा धन क्या है, मंदिर के कारण उस एक स्थान पर क्या हो रहा है, केंद्रित हो रहा है, जिसका फ़ायदा अर्थव्यवस्था को मिल सकता है। यानी धन किससे संबंध रखता है, अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है, और उसका सारा फ़ायदा किससे मिल सकता है, अर्थव्यवस्था का सारा फ़ायदा धन से वहाँ मिल सकता है। मंदिर के जो कर्ता धर्ता थे, मंदिर के धन को व्यापार व साहूकारी में लगाते थे। जो मंदिर के कर्ता धर्ता हुआ करते थे वो व्यापार में या साहूकारी में इस पैसे को लगाया करते थे, क्योंकि पैसा बहुत आ रहा था उनके पास, दान दक्षिणा की उस समय कोई कमी नहीं थी। तो इसी के कारण क्या है, जो बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी या जो कामगार होते थे, शिल्पकार होते थे, व्यापारी होते थे, क्योंकि वहाँ चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बिकती हैं, मंदिरों में मेले वगैरह लगते हैं, वही बहुत सी चीज़ें होती हैं, या जो दर्शनार्थी होते थे, तीर्थयात्री होते थे, कुछ सन्यासी हुआ करते थे, वो सारे लोग क्या हैं, उस स्थान पर बसाव करने शुरू कर देते थे, यानी उस स्थान पर ही रहना शुरू हो जाते थे। तो जो स्थान मंदिर के कारण क्या है, अपने चारों ओर एक आबादी को विस्तृत करता है, और वो कैसी आबादी को, ऐसी आबादी को जो पूर्णतः क्या है, अर्थव्यवस्था को ऊपर पहुंचाने वाली है। ठीक है, इसमें किसान वगैरह उनके पास नहीं रह रहे हैं, किसान वगैरह हालांकि अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मुख्य कार्य करने वाले थे, कामगार, शिल्पकार या व्यापारी, ठीक है, उनका बसाव वहाँ पर होने के कारण यह अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण बनते जा रहे थे। मंदिर नगरों का विकास इसी के कारण हुआ है, या फिर जैसे जो मंदिर नगर रहते हैं उनके बारे में अगर चर्चा करें अपने, तो मध्य प्रदेश में भील स्वामी मिल, ठीक है, अंदर क्या है, भील स्वामिनी, या फिर गुजरात में सोमनाथ, या फिर बहुत से रहते हैं जैसे तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरै, आंध्र प्रदेश में तिरुपति, ठीक है, ये तीर्थ स्थानों के लिए भी बहुत से फेमस हुए हैं, जैसे वृंदावन है वो उत्तर प्रदेश, वृंदावन यूपी के अंदर है, अजमेर है, मेर राजस्थान, ठीक है, तो कुछ जो नगर है वो तीर्थ स्थान के कारण भी फेमस हुए हैं। अजमेर जो है वो स्टार्टिंग में क्या है, चौहान राजाओं की राजधानी थी, जो राजधानी नगर बना, प्रशासकीय केंद्र बना, और बाद में जब अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया तो उनका भी क्या है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। मुगलों के समय भी अजमेर जो है वो एक सूबा रहा है, ठीक है, महत्वपूर्ण सूबा रहा है, अंग्रेजों के समय यह महत्वपूर्ण नगर रहा था। तो हमेशा से ही, और ख़ास तौर पर क्या है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसके लिए यह सबसे ज़्यादा फेमस रहा है, ठीक है। अभी क्या है, ये जो हमने पढ़ा था, एक बात बता देता हूँ कि अजमेर के पास क्या है, पुष्कर सरोवर है जो तीर्थ स्थान के लिए वैसे फेमस है, ठीक है। अभी क्या है, एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं अपने, कि उस समय की जो मूर्तिकला थी उसके पीछे का क्या साइंस था, और जो कांस्य के जो घंटा धातु वगैरह बनाए जाते थे वो क्या होते थे। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि कांस्य क्या है, एक मिश्र धातु है, वह दो धातुओं के मिश्रण से बनता है, तांबा और टीन, ठीक है।
तांबा और टीन को मिलाने के बाद वह उसका निर्माण होता है। लेकिन जब ये घंटी वगैरह बनाया करते थे, ठीक है, तो वो टीन का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा किया करते थे मिलाने के लिए। तांबे को और टीन को मिलाया जाता था जिससे कांसा बनता था, लेकिन कांसा बनाते समय वह टीन को ज़्यादा उपयोग में लेते थे और तांबे को कम उपयोग में लेते थे, जिसके कारण क्या है, उसका उपयोग वह किस आधार पर किया करते थे कि जब अगर टिन उसमें ज़्यादा मिलाया जाएगा तो उससे क्या है, आवाज़ ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है, और इसी का फ़ायदा उठाकर वह क्या है, उसको एक घंटे के रूप में उसका उपयोग लिया करते थे। घंटा धातु से बनाई जाती थी, ठीक है, टिन कह लीजिए या फिर रंगा धातु, ठीक है, भारतीय नाम इसका रंगा धातु है। अब क्या है, रंगे का जो है अनुपात वो ज़्यादा रखते थे, जिससे क्या रहता था कि घंटे की जैसी ध्वनि उत्पन्न होती थी। अब बात करते हैं चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ। अब देखो, ये चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ या जिनको क्या है, जो लुप्त मोम के कारण प्रसिद्ध थी, ठीक है, इनके पीछे बहुत ही अच्छी विधि का प्रयोग किया करते थे वो, ठीक है, और इतनी अच्छी मूर्तियों का निर्माण होता था उनसे कि वह जो अपने अगर नाम पढ़ के देखते हैं लुप्त मोम, तो वह पहली चीज़ मैं बताता हूँ, मोम की नहीं बनी होती थी, धातु की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, लेकिन उसमें मोम का प्रयोग होता था। और वो किस तरह से होता था, लुप्त मोम की क्या है तकनीक उनमें उपयोग की जाती थी, यानी लुप्त मोम क्या है एक तकनीक है उस समय मूर्ति बनाने का, लुप्त मोम क्या है एक टेक्निक है, और उस टेक्निक का इस्तेमाल करके वो क्या कराते थे, इस प्रकार की मूर्तियां बनाते थे। तो तरीका क्या रहता था, प्रक्रिया क्या रहती थी, प्रक्रिया ये रहती थी कि सबसे पहले क्या है, एक मोम की मूर्ति बनाई जाती थी। मोम की क्या बनाई जाती थी, मूर्ति, ठीक है, मोम की मूर्ति बनाते थे सबसे पहले, और उसके बाद उसके ऊपर चिकनी मिट्टी प्लस क्या कर दिया जाता था, चिकनी मिट्टी का लेप लगाया जाता, ठीक है, उसी आकृति का, उसी आकार का क्या है, उस मोम के ऊपर, मोम की जो मूर्ति बनी थी उसके ऊपर चिकनी मिट्टी का आवरण चढ़ा दिया जाता था, ठीक है, और आवरण चढ़ाने का फ़ायदा उनको क्या मिलता था कि उस चिकनी मिट्टी के गीले आवरण को वो मोम के ऊपर चढ़ाते थे और बाद में उसको सूखने के लिए छोड़ देते थे धूप में, ठीक है, जैसे ही वह तक पक कर तैयार होता था, ऊपर वाला हिस्सा जो चिकनी मिट्टी का हिस्सा होता था उसको, तो नीचे से मूर्ति के अंदर क्या किया जाता था, एक छेद किया जाता था, यानी जो मूर्ति बनी हुई होती थी ये मिट्टी लगाई हुई होती थी, उस मिट्टी को हटाया जाता था, साधारण सी बात है, छोटा सा भाग जो है नीचे से मूर्ति का हटा लिया जाता था, और बाद में क्या करते थे, उस मूर्ति को गर्म किया जाता था, और गर्म करने से क्या है, जो मोम था वो पिघल कर बाहर आ जाता था। अब जो आवरण, बाहर का आवरण, आवरण बचा है जो चिकनी मिट्टी का है, उस चिकनी मिट्टी के आवरण में क्या है, जो गला हुआ धातु है उसको सावधानी से उसके अंदर डाला जाता था और बाद में उसको सुखाया जाता था। अब साधारण सी बात है, ऊपर के जो कवर है चिकनी मिट्टी का, उसका आकार वह है धातु ले लेता था और सावधानी से बाद में उस चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था, और चिकनी मिट्टी के आवरण को हटाने के बाद उसकी पॉलिश वगैरह करके उसको साफ़ तरीके से तैयार कर दिया जाता था, और इतनी सुंदर या आकर्षक मूर्तियाँ बनती थी जो क्या है, उस समय के लगभग सभी क्षेत्रों में फेमस थी उस समय के, और वास्तव में क्या है, मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना था वह, और साधारण या आसान तरीके से बनाने का भी कार्य रहता था। इसमें क्या है, कारीगर को ज़्यादा समस्या नहीं होती थी, क्योंकि मोम के ऊपर किसी चीज़ को उकेरना क्या है, थोड़ा आसान रहता है, ठीक है, उसको काटने में आसानी रहती है, उसको बनाने में आसानी रहती है, उसको आकार देने में आसानी रहती है, ठीक है, और बाद में धातु को उसमें डालकर आकार दे दिया जाता था, तो कारीगर के लिए आसान रहता था, और जो बनती थी मूर्ति वो भी बहुत अच्छी बनती थी। तो बाकी चीज़ों के बारे में क्या है, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने क्या है, दो प्रकार की चीज़ों को पढ़ लिया है, एक तो प्रशासनिक नगर किस प्रकार से हैं, ठीक है, और दूसरा धार्मिक नगर या फिर मंदिर नगर जो हैं वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे।